हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा 12th कन्या उत्थान वाला, जो 25,000 बिहार गवर्नमेंट पैसा देती है, उसका स्कॉलरशिप का फॉर्म 2 जनवरी से स्टार्ट हो गया है। और ये फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैं आज आपको बताऊंगा, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले इसका साइट है मेधा, ME देखिए, यह है ना, मेधा सॉफ्ट बिहार .NEET.IN, इसको सर्च करेंगे। उसके बाद ये एक इंटरफेस खुल के आएगा, इसमें देखिए, इसमें 10th का भी है और 12th का भी है। तो 10th का फिलहाल अभी फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा था, लेकिन 12th का हो रहा है। 12th में इसमें लिखा है ना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका माध्यमिक 2, इसको ओपन करेंगे। एक बार क्लिक करेंगे इस पर आराम से, देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब इसमें देखिए, नेट मेरा स्लो है, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे। थोड़ा देर वेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका रेंज बहुत कम मिलता है। मिल गया। इस पर क्या लिख रहा है, आपको बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है इसमें, और आधार कार्ड चाहिए। देखिए इस पे सारे पे टिक लगाएंगे, यस यस का टिक करके इस पे फिर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करने के बाद ये इंटरफेस खुल के आएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालने के बाद, आधार नंबर डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। मैं सब प्रोसेस बता रहा हूँ आपको। ये होता है रजिस्ट्रेशन, ये आपका R से जो लिखा हुआ है ना, ये 12th का रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये उसमें ऐड करेंगे। चलिए, यहाँ पे मैरिड है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे। आधार नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, आधार नंबर जैसे ही ऐड करेंगे यहाँ पे वेरीफाई आधार नंबर कर देंगे, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, उसके बाद ईमेल आईडी, ईमेल आईडी के बाद बैंक अकाउंट नंबर, इसको रजिस्टर्ड करने के जस्ट बाद इस पर OTP आएगा, एक मेल पर OTP जाएगा, इस पर जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे, एक मेल पर जाएगा और एक जीमेल पर जाएगा, उसको दोनों को इसमें अटैच करेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन देगा, जैसे ही प्रीव्यू, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो इस तरह का एक आपको मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। और इसमें एक सप्ताह के अंदर आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड दिया जाएगा, सारे इसको वेरीफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफिकेशन करके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड बिहार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। उससे अपना चेक कर सकते हैं आपका फॉर्म जो है वेरीफाइड हुआ या नहीं हुआ या रिजेक्ट हुआ, सारे प्रोसेस के बाद ये आपको आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू।